सो गाइस आई हैव टेकन टू स्टोन्स ओवर हेयर और उसको हम एक्रिलिक पेंट करेंगे और उसको हम सूखने देंगे और उसके दो कोट लेंगे हम। यहाँ पर मैंने पिंक कलर का एक्रिलिक पेंट लिया है फॉर द फर्स्ट स्टोन एंड ब्लैक वन फॉर द सेकेंड स्टोन। एज यू कैन सी, अगर आपके पास एक्रिलिक कलर्स ना हो तो आप नॉर्मल कलर्स में फेविकॉल मिलाकर भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ड्राई हो चुका है और इस पर मैंने सेकंड कोट भी कर दिया था और पिंक वाले पर थोड़ा सा ब्लैक कलर आ गया था, इस वजह से उस पर ग्रेइश टच आ गया है, वो भी अच्छा ही लग रहा है। अब मैंने ब्रश लिया है और ब्रश की जो बैक साइड होती है उसकी टिप से मैं ब्लैक वाले पे डॉट्स बना रही हूँ, उसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप ऐसे ही ब्लैक वाले को डेकोरेट कर सकते हो और ऐसे ही वो दूसरा वाला जो पिंक वाला है उसको भी डेकोरेट कर सकते हो। तो आप इसको जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और आप कोई भी स्टोन ले सकते हैं जो भी आपके मर्जी का हो। एंड हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई थी कि न्यूज़पेपर बिछा ले, नहीं तो मम्मा बहुत मारेगी अगर कुछ भी गंदा हुआ तो। एंड हियर गोज़ द फाइनल प्रोडक्ट। को आप एज अ पेपर वेट भी यूज़ कर सकते हो, डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और पॉट्स वगैरह में रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और उसको सूखने देना प्रॉपरली।